ऊपर मैं चढ़ के अगर जंप भी करूँ ना या डांस भी करूँ ना तो भी नहीं हिल लेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है इसको जरूर दबाइएगा, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। अगर सब्सक्राइब किया है तो ये टिंग 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 वाला बेल बटन आता है ना, इसको जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद दिस पर्सन। आज है वेडनेसडे, आज मैं इवनिंग से 6:10 दिस टाइम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूं, क्योंकि सुबह में उतना टाइम नहीं मिला था और 2-3 दिन से मूड भी ऑफ है। आप सबको तो पता है मम्मी गई है ना, तो अब से खाली खाली जैसा लग रहा है, तो इसलिए सुबह से मैंने व्लॉग किया नहीं था। तो मैंने सोचा नहीं, व्लॉग तो पहुंचना चाहिए ना, इसीलिए शाम से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और शाम से अभी हाँ बहुत खुशी वाली बात हुई है, क्योंकि आज सुनोगे तो हंसोगे, नहीं हंसना मत आने, क्योंकि हमारा टीवी जो खराब हो गया था, रिचार्ज किया और उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा था, तो टेक्नीशियन आके अभी ठीक करके गया, तो इसलिए हम लोग कार्टून देख रहे हैं अभी, और इसलिए स्वीटी अभी खेलने भी नहीं गई, क्योंकि कितने दिन नहीं देखा कार्टून या कुछ भी नहीं देखा, लैपटॉप में थोड़ा बहुत देखते हैं। और मैंने भी बोला ठीक है, आज नहीं जा रही तो छोड़ दे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग उतना टीवी नहीं देखते, आपने शायद देखा भी नहीं होगा उतने, रेयरली बहुत देखा होगा शायद। और स्वीटी तो मतलब उसको तो टाइम भी नहीं मिलता टीवी देखने का, तो आज मैंने बोला नहीं चलो हम लोग भी टीवी देखते हैं। तो आप लोग लेकिन थोड़ा हंसोगे, ये थोड़ा फनी वाला है, क्या करें, अब ये हमारी खुशी का बात है, छोटा सा एक इतनी दिन बाद टीवी ठीक हुआ तो ये इसमें खुशी नहीं होगी। ठीक करवाया भी नहीं था, क्योंकि टीवी कौन देखेगा इस वजह से। तो उस दिन स्वीटी का एग्जाम खत्म हो गया, अभी वेकेशन स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा बहुत देखना है ना, मुझे भी देखना है डोरेमोन, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन स्वीटी अभी लगाया ऑगी एंड द कॉकरोचेस, और ऑगी एंड द कॉकरोचेस मुझे एकदम भी पसंद नहीं, उसको देख के इतना गुस्सा आता है ना, क्या करूँ। मैं चाय भी नहीं बनाया, क्योंकि वो जो टेक्नीशियन ठीक करने आया था, तो उस टाइम पे मैं चाय का तैयारी कर रही थी, लेकिन वो बीच में आ गए तो चाय थोड़ी बना सकती है। गया अभी तो थोड़ा टीवी देखने 2 मिनट बढ़ गए, तो शांतन बोला है चाय नहीं पीना है कि रात को चाय पीना है, ये देखो ऑगी एंड द कॉकरोचेस देख रहे। आज ये क्या कर रही थी पता है, दोपहर में उसका बचपन का जो वीडियोस है वो देख रही, तो वो दिखाऊंगी किसी और, मैं अभी देख के थोड़ी देर खड़ी होके देख गई, क्योंकि इतना छोटा सा था, इतना सा था, छोटा सा देख के मुझे लग रहा है हे मेरा बच्चा, ये नहीं है तो दूसरा और बच्चा, वो कितना क्यूट सा, वो दिखाऊंगी किसी और दिन वो, क्योंकि वो लोड करना पड़ेगा, उसका वीडियो मैं जरूर एक बार मेरी वीडियो के साथ क्लिपिंग को शेयर करूंगी, और देख के मुझे लग रहा है ये तक क्यूट सा था, अभी कितना बड़ा हो गया। तो अभी पहले चाय बनाते, चलो बाबू और अभी हम लोग चाय पी रहे हैं और स्वीटी दूध कॉर्नफ्लेक्स खा रही है। हाँ, जो जो बच्चे देख रहे हैं ना, स्वीटी उतना टीवी नहीं देखती, तो इसलिए आप सबको भी बोल रही हूँ टीवी थोड़ा कम देखना, थोड़ा सा देखना बीच बीच में, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, मतलब तो पूरी दिन टीवी नहीं, एकदम नहीं, तब तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। शाम को खेलने जाती है, दोपहर में भी नहीं देखती उतना, वो बुक्स पढ़ती है ज्यादातर, थोड़ा सा टाइम टीवी के लिए, बाकी टाइम खेलने के लिए, समर वेकेशन होता ही है ना खेलने के लिए, तभी हम लोग चाय पी ले। ए सेल्फी विद बजरंगी।
अभी हमारा बेडशीट चेंज करना हो गया और अभी थोड़ी देर बैठ जाओ क्योंकि एसी चल रहा है। क्योंकि मुंबई में जो ह्यूमिडिटी गर्म ना, आप खड़े खड़े मतलब जैसे बोलते हैं ना भीग जाओगे, नार हो गया ऐसा वाला गर्मी। मम्मी वहाँ पे जाके बोल रही हूँ ठंडी ठंडी है। आप तो लक्की हो, मैं तो यहाँ पे गर्मी में ही सड़ रही हूँ, क्या कर रहे। मेरे लिए भी जाना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरे काम की वजह से उतना पॉसिबल नहीं होता जाना, तो जाऊँगी ज़रूर। अभी देखती हूँ, कुछ प्लान तो अभी तक तो कुछ नहीं है। और फ्रेश फ्रेश बेड हो के ना अच्छा लगता है ना। अभी मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, उस दिन पता नहीं बहुत सोने में भी अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश फील होता है। रोज रोज चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और स्वीटी अभी बुक्स पढ़ रही है, टीवी देखना कार्टून देखना हो गया, बहुत बोर हो गया तो बोल रहे हैं नहीं अभी हो गया मेरा देखना, और नहीं देखोगे अभी बुक्स पढ़ूंगी, क्योंकि कुछ बुक्स उसने अभी तक नहीं पढ़ा है, न्यू न्यू है तो वही पढ़ रही है। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, खाने में तो कुछ स्पेशल बनाऊंगी। लाइफ में तो खाना तो चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम तो खाना चाहिए, जब भी रात के खाना, इवनिंग का खाना। कभी कभी मैं सोचती हूँ कितनी खाना होता है लाइफ में, इससे ज़्यादा एक दो टैबलेट हो जाता, कुछ मैजिक जैसा हो जाता, एक बार खा लो तो पूरी भर जाता, तो इतना काम भी नहीं होता कि खाना ना रहे तो। खाना तो पड़ेगा, करो या ना करो, या सैलड वगैरह खाओ तो भी तो वो बनाना पड़ेगा। पहले कुछ देर यहाँ पे बैठ जाए उसके बाद, क्योंकि किचन एकदम बोलते है ना तंदूर जैसा, जाके एकदम झुलस जाए ऐसा वाला। रोटी भी बना लिया थोड़ा सा पहले, आज मैं बनाऊंगी पालक पनीर। तो पालक पनीर मैंने शेयर नहीं किया था, काफी सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे पालक पनीर शेयर करने के लिए। पालक का और एक रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, उसका भी लिंक दे दूंगी, शाके चमन भर के, वो तो मुझे पालक पनीर से भी ज्यादा टेस्टी लगता है, वो बहुत टेस्टी रेसिपी है, एकदम डिफरेंट। क्योंकि मैंने जब पोस्ट किया था तभी काफी सारे फ्रेंड्स ने बोला था ये एकदम नया रेसिपी है। तो अभी पालक पनीर मैं कैसे करके, मेरी वर्जन है, क्योंकि जो जो रेसिपी मैं बनाती हूँ मेरी वर्जन के हिसाब से मैं बनाती हूँ, मेरी कंफर्ट जोन के हिसाब से मैं बनाती हूँ, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको अलग भी लग सकता है क्योंकि हर घर का खाना अलग अलग होता है ना। तो अभी पहले कैसे करके मैं बनाती हूँ दिखाती हूँ। और पहले मैं लोहे के कढ़ाई में पनीर को फ्राई करूंगी, थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला। मैंने पनीर को फ्राई किया, पनीर को आप ना फ्राई करके भी डाल सकते हैं, नॉर्मली फ्राई नहीं किया जाता है, लेकिन हम लोग को हल्का सा फ्राई करके, सालों फ्राई करके डालने में पसंद आता है ज़्यादा, लेकिन वो आपकी ऑप्शनल है। और मैंने पालक का प्यूरी इस हिसाब से करके रख दिया, दो बंच पालक लिया था और उसको जस्ट हल्का सा गर्म पानी में ब्लंच करके, मतलब अगर किसी को पता नहीं है, गर्म पानी में जस्ट डुबो के उसको तुरंत उठा के ठंडा पानी में डाल के उसको प्यूरी बनाना है, बस और कुछ नहीं है। तो ये मैंने बना के पहले से ही रख दिया। टमाटो को भी मैंने सेम प्रोसीजर में होल टमाटो को गर्म पानी में डाल के उसके बाद निकाल के जो बाहर का छिलका होता है ना वो निकाल दिया था, उसके बाद मैंने प्यूरी कर लिया ठंडा होने के बाद। और अभी मैं इसमें ऑलिव ऑयल डालूंगी, आप सनफ्लावर ऑयल में भी बना सकते हैं। और इसमें 2 चम्मच जीरा डालूंगी, जीरा भून गया तो इसमें मैं डालूंगी चॉप जिंजर अदरक और चॉप गार्लिक लहसुन, और इसको जस्ट हल्का सा भुनना है। उसके बाद डालूंगी चॉप हरी मिर्च, ग्रीन चिली और चॉप अनियन। अनियन हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, जस्ट पिंकिश होना है, उसको ब्राउन नहीं होना है। तीसरी टाइम पे मैं जो टोमेटो प्यूरी है वो डाल दूंगी। टमाटर एकदम रिड्यूस हो चुका है तो मैं इसमें डालूंगी जो प्यूरी बना के रखा है पालक का, पनीर को भी डाल दूंगी
और डालूंगी पंजाबी गरम मसाले, ये भी मैं घर पे बनाती हूँ। ये वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चेक कर सकते हैं। ये गरम मसाला ही इसका अलग खुशबू देगा। और अभी मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी, सॉल्ट अपनी अंदाजा से। और अभी मैं दूंगी फेस क्रीम। देखिए मैंने इतना एक चम्मच क्रीम उठा कर रखा और बाकी मैंने दूध दिया। ये दोनों एक साथ मिक्स करके क्रीम देने के बाद ज्यादा देर तक उसको बॉईल नहीं करना है। मेरा अभी ये हो गया, अभी हम लोग खाना खाएंगे। बहुत टेस्टी बना है, बहुत सिंपल। सिर्फ तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पालक पनीर बना सबसे इजी लगता है मुझे। अब एक बार जरूर घर पे ट्राई करना, बहुत सिंपल है। अभी मैं नीचे क्यों बैठी हूँ, क्योंकि आप सबका कुछ रिक्वेस्ट था, वो मुझे आज पूरा करना है। एक एक करके कर रही हूँ ना, तो आज जो रिक्वेस्ट था, इसके पहले काफी सारे बार बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे पूछा था मेरी बेडशीट कलेक्शन या कुशन कवर का जो कलेक्शन है वो दिखाना, और उनको भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का मतलब कुशन कवर रहना चाहिए या किस टाइप का मतलब अरेंजमेंट करना चाहिए इस हिसाब से। और ज्यादा आइडिया अगर आपको चाहिए, मेरे सारे जो होम डेकोर वीडियोस है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिलेगा। अभी मैं दिखा रही हूँ मेरी सारी कुशन कवर कलेक्शन। तो कुशन कवर में मेरी जो अभी दिखाऊंगी ऐसे, अरे मेरी एक दिन का कलेक्शन नहीं है, मोर देन 7-8 ईयर्स का है, मतलब 8 साल का तो ज़्यादा ही होगा शायद, कुछ कुछ तो उसके पहले भी क्या भी होगा। कुशन कवर मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो अभी जो जो ज़्यादातर दिखाऊंगी, ज़्यादातर सॉपर श्रॉप की है और किसी का प्राइस मुझे याद नहीं है, क्योंकि आप सोच सकते हो इतनी सालों का है। और कुछ ऑलरेडी मैंने शेयर किया था, जब अभी रिसेंटली मैंने मम्मी और मेरे लिए जो खरीदा था वो तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने कुछ जो न्यू खरीदा है उसका मैंने प्राइस मेंशन किया था। ये एक इस टाइप का कुशन कवर एम्ब्रॉयडरी वाला, ये फोन बोल के एक शॉपर स्टॉप का ब्रांड है, मतलब शॉपर स्टॉप में मिलता है, उनका ही है। यहाँ पे टसल जैसा है छोटा छोटा, ये व्हाइट एंड ब्लू में है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था ये बटरफ्लाई के बारे में, तो ये भी बटरफ्लाई मैंने शॉपर स्टॉप से खरीदा था। ये जो रेक्टेंगल वाले कुशन कवर है ये 12x18 का है। और ये दो जो है ये बालकनी वीडियो में आपने देखा होगा, ये एम्ब्रॉयडरी जैसा ही है, राउंड राउंड सर्कल में मल्टी कलर में है। ये मैंने अर्बन लैडर से खरीदा था, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे भी अच्छा अच्छा कुशन मिलता है। और ये एक टाइप का है ब्लू एंड व्हाइट में पैटर्न, ये भी सेम उसी टाइप का ही, थोड़ा डिफरेंट डिजाइन है। और ये इसी टाइप का है पिंक में। और ये तीनों मैंने अर्बन लैडर से लिया था, ये जोड़ी में है, तीनों का ही जोड़ी जोड़ी। ये ज़्यादातर मैं बेडरूम पे यूज़ करती हूँ, तो ये सारे अभी भी है या नहीं मैं कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। और अर्बन लैडर का वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो, न्यू डिज़ाइन भी आपको मिल जाएगा। ये मेरा काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल से लिया था, काफ़ी साल पहले का है, तो इसका भी ब्रांड का नाम नहीं बता सकती, लेकिन ये इस टाइप का है। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल के बारे में अगर किसी को जानना है कहाँ पे है, क्या होता है वहाँ पे, तो वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। और जो ये छोटा वाला कुशन कवर है ये 12x12 का है। और ये दो कुशन कवर ये प्लेन कलर की थी, ये मैंने यहाँ पे डिजाइन मैंने खुद किया है, ये DIY कर सकते हैं। तो कुशन कवर का DIY मैं जरूर कोशिश करूंगी बनाने के लिए। अभी मुझे याद आया ये प्लेन कुशन कवर शायद मैंने फैब इंडिया से बनवाया था, क्योंकि रेडीमेड कपड़ा मिलता है, उनको अगर साइज बोल दें तो वो बना देता है। ये 16x16 का है। और ये इस टाइप का एक कुशन कवर है, ये चंदेरी सिल्क के ऊपर है, ये मैंने फैब इंडिया से लिया था। ये नॉर्मल एक कॉटन की कुशन कवर है, ये भी मैंने शॉपर स्टॉप से लिया था। और ये एक व्हाइट कलर की कुशन कवर है, इसके ऊपर बीड्स का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, छोटा छोटा बीड्स है। ज्यादातर जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ डिजाइन वाले है ज्यादातर फर्न का है, नहीं तो IVY का है। और ये एक ब्लू कलर की आपको दिख रहा है, ब्लू के ऊपर जस्ट डिजाइन किया है, ये थोड़ा बड़ा साइज का है और इसी का ही मैचिंग मैं यूज करती हूँ, ये एक छोटा साइज का है। व्हाइट के ऊपर जस्ट गोल्डन गोल्डन टाइप का डिजाइन आपको एग्जैक्टली दिखेगा या नहीं, ये मैंने वेस्ट साइड से लिया था। वेस्ट साइड का काफी सारे स्टोर
मुंबई पे काफी सारे मॉल पे है या अलग जगह पे भी है, लेकिन ये सारे का लिंक मैं नहीं दे सकती, कोई भी कुशन कवर का लिंक मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने ज्यादातर जो भी सामान खरीदा है स्टोर में जाके ही खरीदा है। और ये एक कुशन कवर है, ये बैक टू अर्थ बोल के शॉपर स्टॉप में और एक ब्रांड है, उसी ब्रांड का ही है, सेम उसी ब्रांड का ही, ये एक रेड कलर की है, ये बैम्बू फैब्रिक से बनाया गया है ये दोनों, और ये प्लेन कलर की साइड में रेड कलर की बॉर्डर, और ये एक मेरून कलर की साइड में ग्रीन कलर की बॉर्डर है। ये दोनों भी शॉपर स्टॉप से है, स्वयं बोल के एक ब्रांड है, लाइफस्टाइल में भी है वो ब्रांड। और ये ब्लू कलर की कुशन कवर, ये पहले भी आपने काफी सारे बार देखा होगा, ये वेलवेट कपड़े के ऊपर नीचे एम्ब्रॉयडरी और जो बीड्स है छोटा छोटा बीड्स है, ये बीड्स से काम किया गया है, और ये मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप का है। और ये प्लेन टाइप का है, ये मैंने सांताक्रूज में किसी लोकल स्टोर से लिया था, प्लेन नॉर्मल वेलवेट कपड़े के ऊपर है, और इसमें मैंने पॉम्पम जोड़ा था, तो ये मैंने कौन सा शॉप से लिया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, काफी साल पहले का है, थोड़ी इतना याद रहेगा, छोटा सा तो मेमोरी है। और अभी जो दो कुशन कवर दिखाऊंगी, ये थोड़ा बड़ा साइज का है, ये 12x24 साइज का है ये कुशन कवर, ये थोड़ा लंबा टाइप का जैसा होता है ना लंबा पिलो, ये इस टाइप का एक है, और एक है इस टाइप का ब्लू के ऊपर डिजाइन किया हुआ, और एक देखा होगा बालकनी में, और एक है ये साइज का, मेरे पास तीन ही है, और ये फर्न ब्रांड का है, शॉपर स्टॉप से मैंने लिया था, और ये तीन मैंने रिसेंट खरीदा है शॉपर स्टॉप से, फर्न ब्रांड का है ये दोनों, जो एम्ब्रॉयडरी किया है, ये इस टाइप का है और एक इस टाइप का है, मैंने तीन खरीदा है, वो तो मम्मी लेके गई, तो ये मैंने ऑलरेडी किसी वीडियो में शेयर किया था, वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और भी क्या किस टाइप का डिजाइन रहता है शॉपर स्टॉप में वो भी मैंने वहाँ पे दिखाया था, आप जाके चेक कर सकते हो। ये सारे मैं कैसे करके रखती हूँ, अरेंज करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। इस टाइप का ट्रांसपेरेंट जिप टाइप का बैग है, ये ट्रांसपेरेंट छोक के भी कॉटन मटेरियल में भी आता है, तो मैं ट्रांसपेरेंट में रखती हूँ, और नीचे अंदर में नेटेड टाइप का कुछ कपड़ा है, ये मैंने सांताक्रूज में स्ट्रीट शॉप से लिया था। और ये जो जिप लॉक बैग है, इसका अगर लिंक मिले तो मैं देने की जरूर कोशिश करूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आपको स्ट्रीट साइड में, नहीं तो लोकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। अभी मैं आप सबको दिखाऊंगी मेरी लिविंग रूम का जो कुशन कवर है वो कहाँ रखती हूँ, वो यहाँ पे एक छोटा सा ड्रायर है, इसके अंदर रखती हूँ, और इसके अंदर और एक चीज रहता है, ये एक थाली, इतना बड़ा सा थाली, ये मेरी शादी का है, मेरी मम्मी का नानी माँ का है ये थाली, आशा का थाला बोलते हैं बंगाली में, कांसा बोल के एक मेटल है उसी का ही है, तो ये तो शादी में आता है जनरेशन टू जनरेशन, और ये देखो चमक रहा है, और डेली बेसिस पे जो यूज होते हैं वो एक मैं यहाँ पे रखती हूँ। और यहाँ पे इस टाइप का कुशन कवर, ये आपने पहले भी देखा होगा, ये रेड कलर की है, ये मैंने सांताक्रूज में सरप्राइज बोल के एक शॉप है वहां से लिया था, ये दोनों सेम शॉप से लिया था, ये मैंने शॉपर स्टॉप से लिया था, और ये इस टाइप का दो है, ये एक डिजाइन है नीचे में एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, ये मैंने एग्जीबिशन से लिया था बांद्रा में, और ये इस टाइप का डिजाइन में है, और ये आपको इस टाइप का डिजाइन में दिख रहा है एम्ब्रॉयडरी जैसा हल्का सा डिजाइन, और ये पिंक और ऑरेंज कलर में मिक्स किया हुआ है, और ये भी वही सिल्क फिनिश में पिंक कलर की है, और जो गोल्डन कलर की डिजाइन है वो गोल्डन थ्रेड से किया गया है, ये पत्ते का डिजाइन, ये अभी ज्यादातर पिंक 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 आपको दिखेगा, और ये प्लेन कलर की इस टाइप का पिंक का है, ये रॉ सिल्क टाइप का है, और ये इस टाइप का डिजाइन में है, ये चंदेरी सिल्क के ऊपर है, ये मैंने फैब इंडिया से लिया था, और ये दिखने में बहुत सुंदर है बहुत ज्यादा। ये सारे जो पिंक पिंक कुशन कवर है ये मैंने अभी तक आप सबके साथ शेयर नहीं किया, और जब पिंक थीम करूंगी तब शेयर करूंगी वो नेक्स्ट फेस्टिवल के टाइम। और ये इस टाइप का ब्लू कलर की कुशन कवर, ये भी एम्ब्रॉयडरी जैसे किया हुआ है, और ये और एक चंदेरी सिल्क का है सेम डिजाइन में, कलर अलग है, ये भी येलो एंड ऑरेंज में है, और ये सेम उसी टाइप का येलो कलर की है रॉ सिल्क टाइप का है। अभी रनर देख रहे हो, टेबल रनर, ज्यादातर जो है ये मैंने लाइफ स्टाइल होम सेंटर से लिया था, ये इस टाइप का है, और ये बड़ा बड़ा साइज में आता है, ये छोटा में नहीं मिलता, ये साइज टेबल मैट का है,
तो मैंने एक बड़ा साइज को काट के इतना छोटा सा बनाया था क्योंकि और एक जगह में छोटा यूज होता है। और अभी दो जो रनर दिखाऊंगी इस टाइप का है, ये भी पिंक के ऊपर जो गोल्डन थ्रेड के ऊपर यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है, फुल रनर दोनों साइड में इस टाइप का डिजाइन में है। और ये चंदेरी सिल्क के ऊपर है, ये मैंने फैब इंडिया से लिया था, इसका काफी सारे कलर रहता है, एक्वा कलर मैंने देखा था, येलो कलर रहता है। और ये कॉटन की नॉर्मल रनर है रेड कलर की, अपने आगे मेरी इस पास रिकॉर्ड वीडियो है वहाँ पे मैंने ये दिखाया था, ये कॉटन की है, ये मैंने फैब इंडिया से लिया था। अगर आपने क्रिसमस का डेकोर वीडियो नहीं देखा है, रेड थीम के ऊपर डेकोर वीडियो आपको देखने मिलेगा, तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो नीचे मैं लिंक दे दूंगी। और ये एक ऑरेंज कलर की इस टाइप का रनर है, साइड में ऑरेंज और येलो हल्का सा येलो डिजाइन है। ये भी मैंने फैब इंडिया से लिया था, लेकिन ये अभी तो यूज नहीं करती हूँ क्योंकि ऑरेंज थीम अभी नहीं है, पहले मेरा ऑरेंज थीम था, तो जब ऑरेंज थीम करूंगी तब मैं ये यूज करूंगी। और ये लिविंग रूम का दो कुशन कवर, ये भी शॉपर स्टॉप से ही लिया था। और यहाँ पे आपको दिख रहा है साइड में दो, ये भी शॉपर स्टॉप से है। जो बीच वाले उल्लू है ये लिल फ्ली बोल के बैंड्रा में एग्जीबिशन होता है वहां से लिया था, वो कुशन कवर नहीं है, एक उल्लू है पड़ा हुआ। और ये भी वही शॉपर स्टॉप के ही है, यहाँ पे दो कुशन कवर पिंक और रेड डिजाइन में है, ये भी शॉपर स्टॉप से ही है। बेडरूम पे यहाँ पे और एक कुशन कवर की बंच दिख रही है, और ये शूज वाला छोटा वाला ब्लू एंड गोल्डन डिजाइन में, येलो और ग्रे टाइप का डिजाइन में है। यहाँ पे भी येलो और ग्रे में डिजाइन किया हुआ है, ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है इस टाइप का है थ्रेड के साथ और बीड्स के साथ, ये सारे शॉपर स्टॉप से ही है, तो मैंने आप सबको दिखाने के लिए टेढ़ा वेढ़ा रखा है। इसको कहाँ रखती हूँ, मेरी कवर्ड के ऊपर में छोटा कवर्ड में है, इसको छोटा कवर्ड बनती हूँ। यहाँ पे मेरी स्टोर रूम है, ये उतना ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा, आपको कलर वाले बकेट भी देखा होगा क्योंकि वो पेंटिंग के लिए मैं रखती हूँ, कभी कभार कुछ DIY करती हूँ। और मैंने यहाँ पे चढ़ा हूँ ना, मैं जब मेरी डीप क्लीनिंग कर रही थी, फैन साफ कर रही थी ये चेयर के ऊपर, जो डाइनिंग टेबल का चेयर होता है, तो कुछ फ्रेंड्स ने मेरी बहुत केयर करती इसलिए बोला था चेयर के ऊपर मत चढ़ो, जब शांतनु रहेगा तब चढ़ो, तो अभी शांतनु है इसलिए मैं चढ़ रही हूँ। और आप सबको पहले ही बता दूँ, ये जो चेयर है ना इसके ऊपर मैं चढ़ के अगर जंप भी करूँ ना या डांस भी करूँ ना तो भी नहीं हिल लेगा, ये काफ़ी भारी है, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा था। और मैं बेडशीट कलेक्शन अलग से शेयर करूँगी क्योंकि इसी वीडियो में मैं अगर शेयर करती तो मोर देन हाफ एन आवर वीडियो होता और आप सब बोर हो जाते, नहीं इतना मैं लॉन्ग वीडियो करूँगी तो बोर हो जाओगे, मैं खुद ही बोर हो जाऊँगी, तो मैं धीरे धीरे एक एक करके जब भी मुझे जिस हिसाब से याद आता है तो उस हिसाब से मैं शेयर करती हूँ। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक बटन नीचे होता है। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी फेस का यहाँ पे एक फोटो आएगा उसको क्लिक कीजिएगा, हो जाएगा। और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।